सो गाइज वेलकम टू व्यासिस किचन, मतलब ये कविताज किचन का सस्ता वर्जन है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ दिन में पोहे बनाते हैं, तो ये थी पोहे की रेसिपी। अगले दिन आइएगा, हम आपको दूसरी तरह से पोहे बनाना सिखाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे ना एक बहुत बढ़िया चीज़ के बारे में बात करनी थी, जो कि मैंने बुक में पढ़ा था और आई थिंक वो बहुत काम की। एवं पहले ये खा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है भाई? अब तो रिकॉर्ड कर लेगा ना, इतनी देर से साला कार्ड कभी बोल रहा है इंसर्ट वापस करो, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, दिमाग खराब कर दिया। बट एनीवेज, जो चीज़ मैं बोल रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई जो बात है वो है इस बुक से और इस बुक के बारे में। तो एज यू नो, मैंने ये बुक बहुत टाइम पहले शुरू की थी, मतलब अभी तीसरा महीना चल रहा है, मैंने खत्म नहीं की। उसके ये दो बड़े रीजन है। फर्स्ट, कि भाई अपन रेगुलर नहीं हो पाए। भाई साहब ऑनेस्टली तो फूट फूट के भरी है मेरे अंदर, कभी कभी यही नुकसान भी दे जाती है कि अपन रेगुलर नहीं हो पाए। अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, फिर छोड़ देते, फिर पढ़ते थे, फिर छोड़ देते। बट सेकंड चीज़ ये है कि भाई एक तरह से ये मान लो मैं इस बुक को दो बार पढ़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इतना सब कुछ है ना, और इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसा लगता है कि अपन गलत ही कर रहे हैं जीवन में। क्योंकि इसके अंदर टास्क है, उन टास्क को आप करो, उनको एनालाइज करो, खुद की लाइफ ऐसे रिफ्लेक्ट होती है सामने कि भाई क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती। कल एक बहुत बढ़िया चीज़ पढ़ी भाई इस बुक के अंदर, इसमें था जो कि था रूटीन के बारे में, और उसमें था ये वाला पार्ट, गोइंग ऑल द वे। ऑल द वे का मतलब है कि भाई इसके अंदर ये चीज़ थी कि हम, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली, मैं अपने बारे में ऊपर लेके करता हूँ, तुम अगर रिलेट कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं क्या करता हूँ कि भाई वर्कआउट भी शुरू कर दिया, योगा भी शुरू कर दिया, मेडिटेशन भी शुरू कर दिया, उसके बाद हेल्दी डाइट भी शुरू कर दी, उसके बाद अच्छी आदतों के लिए टाइम से उठना भी शुरू कर दिया। अब ये सब चीज़ें एक साथ जब आप रूटीन के अंदर करते हो ना, तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हो और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये पूरे दिन मैं काम ही कर रहा हूँ, क्या थक क्यों रहा हूँ मैं इतना, जबकि कुछ कर भी नहीं रहा हूँ। अलग अलग चीज़ें हम एक साथ पाल लेते हैं अच्छी आदत बनाने के चक्कर में और अच्छा इंसान बनने के चक्कर में। बट इसके अंदर है कि बिल्कुल मॉन्क पर्सपेक्टिव है। मॉन्क पर्सपेक्टिव के अंदर ये होता है कि भैया कोई भी चीज़ अगर तुमको अपनी लाइफ में नहीं करनी है, कि अपने रूटीन के अंदर डालनी है, तो टेक वन थिंग एट अ टाइम। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये इसके अंदर है कि टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड गो ऑल द वे इन। मतलब अगर तुम मेडिटेशन शुरू कर रहे हो या अगर तुम योगा शुरू कर रहे हो, तो भाई साहब पूरा उसके अंदर खुल जाओ, मतलब ए टू जेड। अगर तुमने आज मेडिटेशन शुरू कर लिया, तो पहले उसको 2-3 महीने तक उसको करो, फिर सोचो कि हाँ योगा कैसे करना है। जब मेडिटेशन के ऊपर तुमको थोड़ी थोड़ी ऐसे कमांड आने लगेगी ना कि हाँ अब मेरे वो रूटीन के अंदर सेट इन हो रहा है, तब हम सोचेंगे कि हाँ नेक्स्ट अच्छी आदत कौन सी डालनी है। अगर एक साथ सारी अच्छी आदत डालोगे ना, तो अजीर्ण हो जाएगा भाई। अजीर्ण को क्या बोलते हैं, ये तो मारवाड़ी शब्द है। बट एनीवेज, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ये चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम सीखी है कि भाई अब से सब कुछ नहीं एक साथ करना है, हर चीज़ का एक टाइम लिमिट सेट करना है। और अगर किसी चीज़ को, नई चीज़ को अपने रूटीन के अंदर लानी है, कि भाई अब बुक रीडिंग मेरे को लानी है, तो मेरे को ये है कि भाई रात को सोने से पहले बुक रीड करेंगे। क्योंकि अगर मैं रात को भी करूँगा, फिर मैं अगले दिन सुबह करने लग जाऊँगा, फिर उसके अगले दिन दोपहर में करने लग जाऊँगा, उसके अगले दिन शाम को करने लग जाऊँगा, तो वो अपने रूटीन के अंदर कभी सेट नहीं हो पाएगा। और उसकी जो हैबिट बननी चाहिए ना, वो नहीं हो पाएगी, बिकॉज अपने टाइम मेमोरी करके एक चीज़ होती है कि जिस टाइम आप जो काम कर रहे हो रेगुलर, उसी टाइम पर उसी काम को करते रहे, तो आपके वो टाइम मेमोरी बन जाएगी और आपके रूटीन के अंदर उसको सेट होने में और उस काम को अगली बार करने में आपको इतनी मौत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि ये तो यूँ कर लेगा मैं, समझ रहे हो? तो मेरा भी इस बुक को रात को एक बार पढ़ने का मोटिव ये है कि भैया एक तो कि एक टाइम मेमोरी सेट हो जाए, और दूसरा कि सोने से पहले अपन कुछ अच्छी बातें सीख के सोएं, ना कि सिर्फ सोशल मीडिया और मूवी चला के सोएं। और भैया जिस मिनी ब्लॉग की अपन कल बातें कर रहे थे, वो आज हमने अपलोड कर दिया है इंस्टाग्राम पे। अब देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है भाई। सबसे पहले तो अगर उसका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, तो फिर मैं उस चीज़ को डेली करना शुरू कर दूंगा। अभी भी बना रहा हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, बट उसको अपलोड तभी किया जाएगा जब उसका रिस्पांस अच्छा आएगा, समझ रहे हो? और देखो बस, रिस्पांस कभी भी है ना व्यूज से नहीं आता है, रिस्पांस आता है कमेंट्स और मैसेजेस। क्योंकि अगर कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब चल रहा है, चाहे उस पर 1000 व्यूज ही क्यों ना हो, लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन अगर व्यूज हो गए 50,000 और कमेंट हो गए 10, तो इसका मतलब कि भाई वो सिर्फ एल्गोरिदम की देन है, वो तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। प्लस हाँ, जो लोग सेव और शेयर कर रहे हैं वो तो बात है, बट अभी फिलहाल फटाफट नीचे चलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, अब जूते पड़ने वाले हैं। अब भाई लंबे होने के ना नुकसान भी बहुत है, मैं तुमको बता दूँ। ये जो पीछे तुमको टंकियाँ वगैरह दिख रही है, ये सब उतारने की जिम्मेदारी हमारी है, मेरी और कृष्णा की है, क्योंकि ऐसा तो सिंपल है, लंबा होना इज अ बिग फ्लेक्स टू, बट अब तो भाई यही होगा कि गर्मियों के अंदर पंखे बंद रहेंगे ब्लॉक करते टाइम और पसीना आता रहेगा, बहुत इरिटेटिंग होने वाला है भाई माहौल। बट एनीवेज, द थिंग इज कि भैया मेरे दिमाग में ना फर्स्ट टाइम आज, मतलब बहुत
मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ये थॉट आया कि तू यूट्यूब को दे पॉज, उस दिन मत बना व्लॉग्स, कुछ महीने मत बना व्लॉग्स, और इंस्टाग्राम पे 100% ध्यान दे, रील्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, और कंटेंट गेम इंप्रूव करने पे ध्यान दे, पॉज कर दे यूट्यूब को, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी वैसे भी ग्रोथ नहीं हो रही है, शांति से इंस्टाग्राम पे और कंटेंट अच्छा बनाने के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर मतलब ध्यान दे अपने, क्योंकि तुमको भी पता है यार यूट्यूब पे ना नहीं आते भाई व्यूज, नहीं चल रही है डेली व्लॉग, नहीं हो रहा है कुछ, तो लेट्स एक्सेप्ट दिस फैक्ट एंड डू समथिंग अबाउट जो कि अपन सीख सकते हैं या फिर ग्रो कर सकते हैं, समझ रहे हो। बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि सुबह उठ के अगर मैं व्लॉग नहीं चालू करता ना तो मेरे को ऐसा खाली खाली सा फील होता है, कैमरा नहीं उठाता, वो आदत सी पड़ गई है। और कुछ क्रिएट ना करना, कैसा क्रिएट करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट कुछ क्रिएट ना करना इज वेरी एम्प्टी थिंग। ये वाली भी सारी फोटोज मेरी है और ये फोटो भी मेरी है। मेरा ना बचपन में पापा मम्मी ने बहुत फोटोशूट कराया, नीचे भी बहुत सारी फोटोज पड़ी है, मेरे और कृष्णा की भी बहुत सारी फोटोज पड़ी है, मैं रूम में तुमने वो फोटो देखी होगी, तो अब तुम सोच सकते हो कि ये कैमरा से प्यार, कंटेंट से प्यार और ये सब कहां से आया मेरे अंदर। क्योंकि भाई बचपन से ही हम कैमरा के सामने एकदम ऐसे खुल्लम खुल्ला पोज करते हैं। इतने सही में इतने बड़े बड़े बाल थे भाई मेरे। देखो भाई जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, जस्ट लुक एट दिस, क्या बढ़िया बाल थे भाई। अब तो मैं सही बता रहा हूँ, थोड़े से भी बड़े बाल होते ना इरिटेट होने लग जाता हूँ, ये भी मेरे को बड़े लग रहे हैं, कैन यू इमेजिन, ये भी बड़े लग रहे हैं। बट एनीवेज अभी चलते हैं भाई साहब, मेरे को अभी दो व्लॉग एडिट करने, एक ये वाला और एक मिनी व्लॉग जो कि कल अपलोड करना, तो इसलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पीस।